ओके हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हमारे साथ हमारे रेव्यू माजा चैनल पे है मिस्टर तुषार गांधी जी, जो एक रिवर्स ऑस्मोसिस के फील्ड में ऑलमोस्ट 10 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस रखते हैं, जिनकी नॉलेज कोर फील्ड जो है वो डोमेस्टिक एज वेल एज कमर्शियल रिवर्स ऑस्मोसिस एलिमेंट्स है। तो आज उन्होंने अपने वक्त को स्पेयर करके हमारे साथ में यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे थोड़ा सा वक्त निकाला, उसके लिए मैं उनसे बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। और तुषार जी, एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन आप दीजिए हमारे व्यूअर्स को, एक शॉर्ट भी बताइए कि आप क्या करते हैं और क्या आपकी स्पेशलिटीज है। ओके तुषार जी, तो हम लोग क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले मैं लॉगिन कर रहा था मोबाइल से, हम लोग देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। और दोस्तों से सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस जरूर पूछिएगा, ताकि हम लोग तुषार गांधी जी से डायरेक्टली जान सके, नॉलेज ले सके। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप आपके यूट्यूब हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स में डाल सकते हैं। तो तुषार जी, मेरा तब तक आप सवाल ले लीजिए। मेरा सबसे पहला आपको ये सवाल है कि जो रिवर्स ऑस्मोसिस जो आरओ मेम्ब्रेन जो होते हैं, बेसिकली आजकल हम लोग बहुत सारे आरओ मेम्ब्रेन देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आगे जो फील्ड में है, जैसे हम लोग जानते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस में काफी चेंजेस आ रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आरओ ज्यादा करके आगे जाके इसका मतलब फ्यूचर कुछ है या नहीं है, या कुछ नया टेक्नोलॉजी आ जाएगा इसको रिप्लेस कर देगा, ऐसा कुछ आपको पॉसिबिलिटी लगता है क्या? ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगती। खाली चीजें क्या होंगी, कम चीजें तो होंगी, कम चीजें तो वाला आरो लगेगा, ज्यादा चीजें इसमें ज्यादा चीजें तो वाला आरो लगेगा। जहाँ आरो की जरूरत नहीं वहाँ अपना प्राउड है एनएफ यूएम फिल्टर लगेगा। ओके, आरो की जरूरत हाई डिग्री तो रहेगी रहेगी, क्योंकि टीडीएस पानी का बढ़ता जा रहा है, कुछ कम नहीं होगा वो टीडीएस। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस आए हैं क्या, हम लोग चेक कर लेते एक बार। कमलेश पटेल जी ने हेलो बोला है, नमस्ते कमलेश जी। कुछ क्वेश्चंस होंगे तो जरूर पूछेगा, हम लोग वेट कर रहे हैं आपके क्वेश्चंस का, ताकि हमें जो जितना समय मिला है वो हम लोग अच्छे से यूटिलाइज कर सके। तो मेरा तुषार सर से एक और सवाल है कि आपको क्या लगता है, बेसिकली आरओ बूस्टर पंप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, या फिर उसका मेम्ब्रेन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, या एसएमपीएस इम्पोर्टेंट होता है? और आजकल मार्केट में बहुत सस्ते सस्ते प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो क्या आप एडवाइस करेंगे कि हमारे जो भी कस्टमर्स हैं उन्होंने ये सस्ते प्रोडक्ट्स, मतलब जो टेक्नीशियंस है वो, उनको क्या आप क्या एडवाइस करेंगे कि कैसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, ताकि दोनों कस्टमर एज वेल एज टेक्नीशियन। हाँ यस सर, हाँ बोलिए सर। क्वालिटी के प्रोडक्ट, पानी अपने जीवन की जरूरत है, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं। आरओ में सभी कंपोनेंट यूज हुए हैं, बॉडी, इनलाइन, सेडिमेंट, कार्बन, पंप मेम्ब्रेन, उनका कॉम्बिनेशन अच्छा ही होना चाहिए। अभी समझ लीजिए सेडिमेंट, सेडिमेंट 5 माइक्रोन का ही होना चाहिए और फूड ग्रेड होना चाहिए। कार्बन में कम से कम 900 आईवी का तो कार्बन यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो कलर होते हैं, केमिकल होते हैं, वो पाता होके पानी मेम्ब्रेन तक चला जाता है। मेम्ब्रेन के लाइफ के लिए आपको कार्बन अच्छा यूज करना चाहिए। और पंप भी मेम्ब्रेन को 70 PSI प्रेशर की जरूरत रहती है, 70 PSI जनरेट करने के लिए पंप। वहाँ टैंक में अपना पानी स्टोर रहता है और पानी
जो अपने हल्के प्लास्टिक में आप यूज करेंगे तो वो कैंसर का कॉज हो सकता है। तो लोग भी हल्के आरओ खरीदना मत चाहिए, और टेक्नीशियन ने भी हल्के आरओ देने की जरूरत नहीं है उनको थोड़े पैसों के लिए। ओके सर, राकेश सिंह जी का सवाल है कि बेस्ट 3 ब्रांड फॉर इनलाइन फिल्टर कौन से हैं, टॉप 3 ब्रांड्स इनलाइन फिल्टर्स के लिए। आपके हिसाब से मतलब टॉप थ्री। मेक इन इंडिया में जाएंगे तो इलेक्ट्रो के फिल्टर अच्छी क्वालिटी के आते हैं, लेकिन वो हाई रेंज में आपको जाना पड़ेगा पड़ेगा सिल्वर इनलाइन के आगे जाना पड़ेगा, उससे नीचे नहीं जाने का। इलेक्ट्रो का है इलेक्ट्रो का इनलाइन अच्छा आता है। ओके और उसके बाद आप कौन सा सजेस्ट करेंगे? और उन्होंने तीन कहा था, एक लेग स्क्रू हो गया, एक हम लोग प्योर एंड श्योर का एक है, वो भी एक अच्छा हम लोग कह सकते हैं। प्योर एंड शेप का एक अच्छी क्वालिटी का, प्योर एंड शेप का यस। और ऑनिक्स का भी अच्छा आ रहा है, उनका भी 900 आईवी का कार्बन आ रहा है। कौन सा सर? ऑनिक्स 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 ओके। और एक एक्सियन का भी एक है, टीएस के साथ में उनका है एक्सियन टीएस का, उसका भी सेडिमेंट कार्बन काफी हैवी। हाँ, मेक इन इंडिया में ये 3 ब्रांड्स है, करेक्ट। हाँ, बायोसेरा का भी है और कोलिंडास का भी इम्पोर्टेड में, टीएस का है एक्सियन का, और भी बहुत सारे कंपनी ऑर्गेनिक का भी है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, क्लोरीन वाटर चलाने वाले ऐसी कोई मेम्ब्रेन है जो लॉन्ग टर्म तक चलेगी? कार्बन ही हाई वैल्यू का यूज करना पड़ेगा, वहां से पानी पास आउट होने के बाद क्लोरीन आगे जाना नहीं चाहिए। हाँ, जब हम लोग अच्छा आईवी का, ज्यादा आईवी का कार्बन सेडिमेंट यूज करते हैं कार्बन फिल्टर, दो कार्बन फिल्टर अगर लगाएंगे तो क्लोरीन पूरी तरह से निकल जाता है मेम्ब्रेन के लिए, जो क्लोरीन सबसे खतरनाक चीज होती है, करेक्ट सर। उसके बाद निखिल साळुंके जी हेलो बोल रहे हैं, कमलेश पटेल जी बोले आप सेडिमेंट कार्बन फिल्टर कितने दिन में चेंज कर जाए, निखिल साळुंके जी का सवाल है, सेडिमेंट कार्बन फिल्टर कितने दिन में चेंज करना चाहिए? कमलेश पटेल जी बोल रहे हैं अभी पूरे मार्केट में सब घटिया मटेरियल आ रहा है, उसका क्या रीजन है? क्योंकि काफी लोग हेलो हाँ सर हेलो हाँ आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही सर, आ रही आ रही वो नए टेक्निकल लोग आ गए मार्केट में, उनको नॉलेज नहीं है क्या यूज करना चाहिए क्या नहीं, तो वो स्पेसिफिकेशन है कि 900 आईवी के आगे का कार्बन यूज करना चाहिए, वो अपने हेल्थ के लिए वो अच्छा है। ओके, कस्टमर ही मांग करें कि मुझे 900 आईवी के आगे का कार्बन मुझे हमारी मशीन में चाहिए, तभी वो टेक्नीशियन आपको देने की कोशिश करेंगे ना। ओके सबसे पहले दोस्तों सारे के सारे लोग जितने लोग देख रहे हैं प्लीज आपके लिए हम लोग आए हुए हैं, तुषार जी भी उनका टाइम लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, 12 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएफ कितने टीडीएस पे लगा सकते हैं, यूएफ फिल्टर जो है वो कितना टीडीएस पे यूज कर सकते हैं? 300 टीडीएस सर। सर आपका आवाज थोड़ा सा कट हो रहा है, क्लियर? हाँ अभी आ रहा है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोई क्वेश्चन आया है क्या?
नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो मैं मेरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ सर से। हेलो तुषार सर, तो सर आप अभी जो सिचुएशन है, जो हम लोग सब जानते हैं कि जैसे सारे जगह पे बिजनेस सबसे ज्यादा ये कोरोना ने बिजनेस को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया हुआ था, तो ऐसे टाइम पे क्या हुआ है जो टेक्नीशियन लोग हैं काफी, मतलब ये पीरियड में भी मतलब काफी काम करते हैं, तो मटेरियल उनको जो मिल रहा था, मतलब बहुत सारे कंपनी का मटेरियल जो चाहिए वो मिल नहीं रहा था, तो वो कुछ भी इस्तेमाल करके काम चला रहे थे। तो अभी ज्यादा करके हम लोग देख रहे हैं कि इम्पोर्टेड मटेरियल का जो है उसका थोड़ा सा शॉर्टेज होने लग गया है, तो आपको क्या लगता है इसमें मतलब मेक इन इंडिया को स्कोप रहेगा या क्या क्या है, है और और आपके आपके हिसाब हिसाब से से मेक मेक इन इन इंडिया इंडिया के के कौन कौन से से कौन से प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स आप आप भी भी हमें हमें बताइए बताइए जिसको जिसको हम हम लोग लोग प्रमोट प्रमोट कर कर सकते सकते हैं। सपोर्ट करना ही चाहिए। हेलो यस हेलो हाँ आ रही है ना? हाँ आ रही सर, आ रही। हाँ, कोरोना से लड़ना है तो अपने अपने लोगों को अपने लोगों के लिए मेक इन इंडिया के ही प्रोडक्ट यूज करने चाहिए मोस्टली, क्योंकि अपने लोग ही काम कर रहे हैं जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनको हम सपोर्ट करके हम प्रोडक्ट मेक इन इंडिया कर लेंगे तो अपने ही लोगों को सपोर्ट करेंगे। इम्पोर्टेंट लेंगे तो अपने लोगों को सपोर्ट नहीं होगा, खाली ट्रेडर लोगों को भी सपोर्ट होगा। करेक्ट। तो कौन कौन सी सी कंपनीज कंपनीज है है सर सर मेक मेक इन इन इंडिया इंडिया की, की, जरा जरा आप आप बताएंगे बताएंगे हमारे हमारे व्यूअर्स व्यूअर्स को को कि कि ये ये कंपनीज कंपनीज के के ये ये प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स हैं हैं जो जो मेक मेक इन इन इंडिया इंडिया के के हैं, हैं, ऐसा ऐसा इन इन शॉर्ट शॉर्ट बता बता दीजिए। दीजिए। ओके फिलमैक्स ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन संजय कुमार जी का है, 4,000 TDS के लिए क्या कॉम्बिनेशन रहेगा पंप और मेम्ब्रेन और एफआर का? 4,000 TDS और पे चलने वाली मशीन अगर बनानी है तो क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगा उसके लिए? ओके ओके एचएससी है, करेक्ट करेक्ट। और डव का एक्वालास्ट करके है और ड्यूपॉन्ट का, वो भी लगा सकते हैं हाई टीडीएस। करेक्ट सर, आपका कैमरा थोड़ा सा नीचे हो गया है, आपका फेस नहीं दिख रहा है। हाँ अभी ठीक है सर। यस नेक्स्ट क्वेश्चन एफ आर, अच्छा एक निखिल सालवी, एफ आर डायरेक्शन उल्टा लगाने से क्या मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है क्या? एफ आर उल्टा लगाए तो कुछ उससे इफेक्ट होता है क्या मेम्ब्रेन पे? एफ आर उल्टा लगाए तो ओके 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 नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी स्केलेंट बॉल्स
इससे कुछ फायदा होता है क्या? मतलब क्या हम लोग एंटी स्केलेंट बॉल डालेंगे तो उससे कुछ मेम्ब्रेन की लाइफ इंक्रीज हो सकती है क्या? हाँ जो आएगा पानी में उतर जाएगा वो कार्बन से पास आउट होने के बाद उसका रिजल्ट नहीं आ जाएगा आपको। बराबर है, वो उसी में अटक जाते हैं, सेडिमेंट कार्बन में अटक जाता है। मेम्ब्रेन के पहले लगा, मेम्ब्रेन के पहले। ओके, तो सर अभी आपका कोई प्लानिंग है कि कुछ ऐसा मशीन, एक ऐसा मतलब कुछ लॉन्च करने का कुछ प्लानिंग है क्या 25 लीटर्स 50 लीटर्स का? तो कुछ उसके बारे में बताइए आप, अगर हमको दिखा सकते हैं अभी तो कस्टमर्स को हम लोग बता सकते हैं तो, कि आपके पास 50 लीटर्स का कुछ नया मॉडल है। या वो 25 लीटर का आएगा, 25 लीटर का आएगा, वो फुल्ली मेक इन इंडिया होगा, उसमें पंप भी इंडिया का आएगा, एसेंशियल इंडिया का आएगा, ये सुई भी इंडिया का होगा और मेमोरी भी मेक इन इंडिया की होगी, कोई इंपोर्टेड उसमें नहीं होगी। ओके, तो अभी क्वेश्चंस तो खत्म हो गए सर ऑलमोस्ट अभी। और आप कुछ बताना चाहेंगे सर, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे हमारे जो टेक्नीशियंस है या जो व्यूअर्स है उनके साथ में? या रिसेप्शन पंप होते हैं अपना, जो PNQS टाइप के वगैरह होते हैं ना, एक वो आते सेकंड में, जो आते सेक्शन टाइप, जो दोहानली हो गया या PNQS हो गया, जो इनलेट का प्रेशर कम हो तभी प्रेशर क्रिएट करते हैं वो पंप होते हैं। और सर टेक्नोलॉजी आती है सेल्फ प्रेशर रेगुलेटिंग पंप, जो इंजन का 204 फीट का पंप आता है, और उस टाइप का मेक इन इंडिया में भी मिलता है, वन नाम से वो इंडिया में आता है। तो वो पहला जो पंप होता है उनको 10 PSI की जरूरत रहेगी आपको, जो PNQS टाइप के पंप होते हैं सक्शन करने के लिए, तभी वो आपको 70 PSI मेम्ब्रेन तक प्रेशर इंक्रीज करके देगा और मेम्ब्रेन का लाइफ बढ़ेगा। सेकंड में आएगा वो अपना सेल्फ सक्शन पंप, जो हंडी टाइप या MNQS टाइप का, तो उनका काम क्या है, इनलेट में प्रेशर कम हो तभी वो पानी खींचेगा और आगे प्रेशर क्रिएट करेगी, लेकिन ऊपर टंकी का प्रेशर ज्यादा हो तो वो सेल्फ सक्शन पंप पंप का प्रेशर मेम्ब्रेन पे हाई होता है, वहाँ वो पंप यूजफुल नहीं है, वो खाली रूरल एरिया में जहाँ टंकी मशीन से 2-3 फीट हाइट पे है वहाँ वो पंप प्रॉपर वर्क करते हैं और प्रेशर अपने को 70 PSI चाहिए तो वो दे देते हैं, लेकिन टंकी दूसरे तीसरे माले पर हो तो पंप 100 PSI तक प्रेशर जनरेट करते हैं, उस कारण से मेम्ब्रेन जल्दी से हो जाती है या ओपन हो जाती है, ज्यादा टीडीएस छोड़ने लगती है। तो सिटी एरिया में चाहिए तो आप स्वान का पंप यूज कर सकते हैं या आईकेन का 204 फीट का पंप यूज कर सकते हैं, वो ऊपर का प्रेशर ज्यादा हो तभी वो रेगुलेट करके आपको मेम्ब्रेन को 70 PSI ही प्रेशर जनरेट करके देगा, ज्यादा प्रेशर नहीं देगा, और इनलेट में 10 PSI हो तभी भी वो 70 PSI पे ही आके मेम्ब्रेन का लाइफ इंक्रीज करेगा, वो अपने अंदर ही प्रेशर को सोख लेगा वो, और मेम्ब्रेन में भी टू दो तीन टाइप के मेम्ब्रेन आते हैं, एक है लो टीडीएस का मेम्ब्रेन, जो जहाँ 500 TDS के अंदर पानी है वहाँ आप लो टीडीएस का मेम्ब्रेन लगा सकते हैं, और दूसरा आता है हाई टीडीएस मेम्ब्रेन, वो आप 2500-3000 TDS 4000 TDS तक लगा सकते हैं, लेकिन जो हाई टीडीएस का मेम्ब्रेन है वो टीडीएस की जगह लगाने की जरूरत नहीं, वहाँ आपकी जो पानी में मिनरल्स वगैरह होते हैं वो काट देगा और आपका टीडीएस वो लो कर देगा, तो जहाँ लो टीडीएस है वहाँ लो टीडीएस का ही मेम्ब्रेन लगाने का, जहाँ हाई टीडीएस है वहाँ हाई टीडीएस का मेम्ब्रेन लगाने का, और मेम्ब्रेन में भी 75-80-100 GPD के गैलन पर डे के मेम्ब्रेन आते हैं, लेकिन अभी मार्केट में क्या हुआ है,
टिकरिंग चल रही है, लेकिन 75 GPD का मेम्ब्रेन हो तो 13 लेयर का होता है, 80 GPD का मेम्ब्रेन हो तो 13 लेयर का होता है, और 100 GPD का हो तो 15 लेयर का जेन्यून मेम्ब्रेन वो होता है। और 80 GPD के मेम्ब्रेन के लिए आपको 450 FR लगानी पड़ेगी, और 100 के लिए 550 FR लगानी पड़ेगी। लेकिन 100 GPD का मेम्ब्रेन चलाने के लिए आपका पंप भी उतना कैपेबल और प्रेशर उसमें सेट करने की क्षमता होनी चाहिए उसमें। खाली कोई भी पंप लो और आप 100 GPD का 15 लेयर का मेम्ब्रेन लगाएंगे तो उसका लाइफ आपको नहीं मिलेगा, वो जल्दी चोक हो जाएगा। ओके सर, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि केंट और एक्वागार्ड के मुकाबले जो मार्केट में लोकल मशीन्स मिलते हैं तो उनमें डिफरेंस क्या है, और मतलब क्या करना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस तो प्राइस के मामले में देखे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है, तो उसके बारे में कैसे उनकी क्वालिटी तो बेहतरीन है, लेकिन उस क्वालिटी का लोकल मार्केट में भी कुछ बनाने वाले लोग है, ब्रांड में विदाउट ब्रांड में भी, तो आपको देख कर लेना पड़ेगा, समझ के लेना पड़ेगा उसकी क्वालिटी उसके मुकाबले है क्या, यानी उसने कार्बन यूज किया हुआ है क्या, मेम्ब्रन उस चाइनीज सर्टिफाइड वो यूज करते हैं या लोकल का कोई भी चाइनीज मेम्ब्रन यूज करते हैं। जो सस्ते मशीन होते हैं उसमें ज्यादा करके चाइनीज प्रोडक्ट्स या फिर जो सस्ते क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि सस्ते में आपको देना है, जो उनका मार्ग मशीन मिल रहे हैं 4-5 वो सस्ते क्वालिटी के लेने लेने की जरूरत नहीं, वो आपका हेल्थ के साथ खिलवाड़ होगा वो आपके हेल्थ। और बेसिकली कैसा होता है, जो चीजें हम लोग हमारी बॉडी में 70-80% पानी ही होता है, तो उसमें अगर हम लोग कुछ खराब चीज डालेंगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक डिसीजन लाने के लिए हो सकता है, क्योंकि जो ब्रांडेड कंपनीज है वो सारी चीजें इस्तेमाल करती है, और जो अच्छे क्वालिटी के अच्छे प्राइस में जो चीजें मिलती है उसमें NSF सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि ड्यूपॉन्ट का मेम्ब्रेन है NSF है, फिर आपका जो बायोसेरा के अल्कलाइन NSF सर्टिफाइड है, फिर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं फिनटेक फिर है, फिर आपका वोंट्रॉन भी NSF सर्टिफाइड है, और भी बहुत सारी कंपनीज के मेम्ब्रेन से जो NSF सर्टिफाइड आते हैं, और कीलसीन करके आजकल जो ज्यादा करके ब्रांडेड सिस्टम्स में भी इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे मेम्ब्रेन से जो NSF सर्टिफाइड है, दैट इज दे आर मीन्स उनसे निकला हुआ पानी आपके लिए हेल्थ के लिए किसी प्रकार का हानिकारक नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लक्ष्मण जी का है, लक्ष्मण चालावट, आरओ पानी टीडीएस 4000, उसका मेरे ख्याल से हमारी बात हो चुकी है, 4000 टीडीएस पे हम लोग कैसे सिस्टम बना सकते हैं, इसके बारे में हमने बात किया था। तो सर एक बात था, 4000 टीडीएस का कितना भी रिजेक्शन करके 400 के 350 के नीचे नहीं आ सकता मेरे ख्याल से, हाई टीडीएस मेम्ब्रेन लगाएंगे तो भी 200 तक आएगा, 200 तक आ जाएगा, उससे अगर कम चाहिए होगा तो डबल मेम्ब्रेन लगा के कम हो सकता है। आपको 400 टीडीएस का पानी पीने के लिए कोई हार्मफुल नहीं है, तो 200 टीडीएस का भी अच्छा है, आपको मिनरल्स वगैरह भरपूर मिल जाएगा। बराबर है। और अगर सर किसी को 0 टीडीएस का मशीन बनाना होगा, जो कई लोग मुझे पूछते हैं कि मुझे 0 टीडीएस चाहिए आउटपुट में, मुझे फैक्ट्री में इस्तेमाल करना है, मुझे बैटरी वाटर के लिए इस्तेमाल करना है, तो कुछ ऐसा मशीन बना सकते हैं क्या जिससे हम लोग 0 टीडीएस का पानी निकाल सके ऐसे? कमलेश जी बोल रहे हैं, आप मेरे से संपर्क करिए, मेरे पास एक मेड इन इंडिया आरओ प्रोजेक्ट है। तो कमलेश पटेल जी आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर्स हैं नीचे, आपके कोई भी आइडियाज होंगे, इनोवेटिव आइडियाज होंगे तो हम लोग जरूर उसको प्रमोट जरूर करेंगे।
और चलिए तुषार जी, आपने बहुत सारा वक्त निकाला है हमारे लिए, ऑलमोस्ट आधे घंटे 1 घंटे के आसपास हो गया है, तो थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल टाइम, और नेक्स्ट टाइम आपको जरूर हम बुलाएंगे। और चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट सर। और आपने आपका समय निकाला, और कुछ आप हमारे व्यूअर्स को अगर कहना चाहते हैं शॉर्ट में तो प्लीज बताइए, और आज का सेशन हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं फिर। टेक्नीशियन से कीजिए कि हमारे घर में जो आरओ बैठता है उसमें ज्यादा से ज्यादा चीज मेक इन इंडिया की होनी चाहिए, क्योंकि अपने जो इकोनॉमी है कोरोना के कारण सब डिस्टर्ब हो गई है, तो अपने लोगों को ही हम सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम चाइनीज प्रोडक्ट को सपोर्ट करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपने लोग नहीं बढ़ पाएंगे, थोड़ी सी कमियां होगी अपनी इंडियन प्रोडक्ट में, तो आप सपोर्ट करेंगे तो उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, आप चेंजेस नहीं करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, कितने दिन तक हम दूसरों का माल लेते रहेंगे, अपने पे हम कब आत्मनिर्भर बनेंगे, मोदी जी का नारा है ना आत्मनिर्भर भारत, तो आप आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आप मदद कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इंडियन प्रोडक्ट यूज कीजिए। जी बिल्कुल सर, सही बात कही आपने, आत्मनिर्भर प्रोडक्ट्स जो है, हमें इंडियन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों, हमारे इसी 1 जून को है हमारे रेवी माता के 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए, जिसका सपोर्ट आप सब व्यूअर्स के वजह से ये पॉसिबल हुआ है, सो आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लाइक किए, व्यूज दिए, सब्सक्राइब किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। एक और क्वेश्चन आया हुआ है, एसवी बार बार खराब होता है, निखिल जी पूछ रहे सर, ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और स्टॉप करते सर, एसवी खराब हो रहा है बार बार, उसका क्या रीजन हो सकता है? ओके, मतलब अगर एसीबी में से विदाउट वाटर अगर रन किया तो वो खराब हो सकता है। हाँ खराब हो सकता है, ट्राई करेगा तो वो खराब हो सकता है। क्या आप में क्षार ज्यादा हो गए पानी में, वो भी खराब जाम होता है पानी में, अगर क्षार यानी कि जो टीडीएस ज्यादा होगा तो वो ब्लॉक हो सकता है एसवी। कॉपर एसवी यूज करना चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच तुषार जी, गुड नाइट एवरी, सभी व्यूअर्स को भी गुड नाइट। चलिए, नेक्स्ट टाइम के लिए मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।